गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू ऑल माय एस्पिरेंट्स जो सीडीएस का पेपर देना चाहते हैं। हम बात करेंगे सीडीएस 1 2024 के पेपर के बारे में। अगर हम बात करें सीडीएस 1 2024 का नोटिफिकेशन और इसमें क्या क्या कैटेगरीज होती है, कौन से क्वालिफिकेशन चाहिए, कब ये फॉर्म आएगा इसका, आपको कौन से सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं, इन सब पे हम बात करेंगे। दिस इज फॉर अनमैरिड वुमेन एंड मेन, नॉट फॉर मैरिड। People are not allowed. Even if you're divorced, you will not be allowed to come. अब इसमें आपके लिए क्या opportunities हैं? OTA है, AFA है, Naval Academy है, IMA है। तो आपके पास ये चार opportunities हैं। But girls के लिए सिर्फ अभी OTA ही है। अगर हम आगे बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके seats के बारे में। IMA आपके पास 100 seats रहती हैं। OTA में males के लिए 169 है, women के लिए 16 seats रहेंगी। AFA में 32 सीट्स रहेंगी और INA में 32 सीट्स रहेंगी। अब नेक्स्ट चीज जो आता है हमारा है एज क्राइटेरिया। अगर एज क्राइटेरिया की बात करें, IMA के लिए आप 2 जनवरी 2001 टू 1 जनवरी 2006 तक हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे। OTA के लिए ये 2 जनवरी 2000 हो जाएगा टू 1 जनवरी 2006। INA और AFA के लिए सेम रहेगा, विच इज 2 जनवरी 2001 टू 1 जनवरी 2006। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए और यू शुड बी इन द लास्ट ईयर ऑफ योर डिग्री। सिर्फ एक डिफरेंस रहेगा, अगर आप नेवल एकेडमी में जा रहे हैं आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए। अगर आप लास्ट ईयर अपेयरिंग है तो किस डेट तक आपकी ये डिग्री होनी चाहिए। बेस्ट एग्जाम्पल आपके लिए लास्ट डेट रहेगी 1 जनवरी 2025 जिसमें आपके हाथ में डिग्री होगी तो आपको एकेडमी में एंट्री मिलेगी। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन डेट की। एग्जामिनेशन रहेगा 21 अप्रैल 2024 का। बहुत कम टाइम रह गया इसके लिए और सिलेबस बहुत ज्यादा है। इसका फॉर्म कब आएगा? नए साल में जाने से पहले फॉर्म आ जाएगा, दैट इज ऑन 20th December 2023। लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द फॉर्म वुड बी 9th January 2023। कहां पे फिल करना है? यूपीएससी की वेबसाइट पे जाओगे, दैट इज वेरी फिल अप द फॉर्म। आगे हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में जो ओटीए के लिए प्रिपेयर कर रहा है। बेसिकली ये तीन सेक्शन है आपके पास। एक है इंग्लिश जो सबके लिए कंपल्सरी रहेगा, उसमें आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, S1, S6, PQRS, कॉम्प्रीहेंशन आएंगे, कॉम्प्रीहेंशन का लेवल इंप्रूव हुआ हुआ है, S1 S6 इंप्रूव हुआ हुआ है। सिमिलरली आपके लिए प्रेपोजिशंस बहुत आएंगे, स्पोर्टिंग एरर्स बहुत आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स बहुत आएंगे, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस बहुत आएगा। सो अगर आपकी बेसिक इंग्लिश पुअर है तो इट विल बी अ प्रॉब्लम। इसके लिए बेस्ट चीज क्या है? आप न्यूज़पेपर पढ़ें। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, यू डोंट हैव द हैबिट, सो डोंट एक्सपेक्ट दैट यू कैन बी लर्निंग वन थिंग इन वन डे। नो बुक कैन टीच यू बेटर दैन न्यूज़पेपर्स एंड योर ओन पर्सनल एफर्ट। अगर आप खुद से वोकैबुलरी नहीं सीखेंगे, नोबडी कैन डू इट। हम क्या करते हैं, हम वी टीच यू वोकैबुलरी, वी टीच यू रीडिंग न्यूज़पेपर्स, वी पुट यू इन दिस हैबिट। बिकॉज अगर आप बात करें अपना इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, मिनिमम 4 मंथ्स चाहिए टू इंप्रूव दिस। यू हैव टू हैव एवरीडे रिसोर्सेज रीडिंग, यू हैव टू रीड थ्रू इट। उसके दो फायदे हैं, एक तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, सेकेंड यू आर इंप्रूविंग ऑन योर करंट अफेयर्स। नाउ कम्स द सेकेंड पेपर जो आपका रहेगा जनरल नॉलेज का। दिस पेपर एक रहेगा सोशल साइंस का सेक्शन, एक रहेगा करंट अफेयर्स का सेक्शन, एक रहेगा साइंसेस का। साइंसेस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रहेगा। करंट अफेयर्स में अगर हम बात करें, सिंपल क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, बहुत पुराने रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। जैसे इस बार हमने बात किया अभिनंदन वाले क्वेश्चन, हमने बात किया ऑर्गेनाइजेशन की, हमने बात किया मिलिट्री एक्सरसाइजेस की, हमने बात किया स्पोर्ट्स की। सो ये टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। आगे हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड रहेंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स रहेंगी। सो देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्डर इन विच दे आर गोइंग टू गिव इट, बट द क्वेश्चंस अगर आप बेसिक रीडिंग कर रहे हैं तो इट विल बी गुड इनफ। एज आई सेड, न्यूज़पेपर रीडिंग इज अ मस्ट, दैट इज व्हाट वी फोकस अ लॉट ऑन एवरी डे। एवरी डे वी मेक यू रीड द न्यूज़पेपर। रोज न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक घंटा उसको डिवोट किया जाएगा। आगे हम चले, जो पेपर थ्री रहेगा ये रहेगा IMA वालों के लिए, ये रहेगा नेवल अकेडमी वालों के लिए और ये रहेगा इंडियन एयरफोर्स वालों के लिए। अब इसमें क्या होता है, मैथ्स का पेपर है, बहुत सिंपल है, हमने सॉल्व किया हुआ है। उसमें मैंने क्या किया, शॉर्टकट मेथड कैसे यूज किया। आप एक घंटे में इजीली 45 क्वेश्चंस कर सकते हो अगर आपके पास वो शॉर्टकट मेथड है। आप 60 प्लस स्कोर कर सकते हो, जनरली IMA की कट ऑफ अराउंड 140 जाती है, 60 का आप इसमें स्कोर कर गए तो आपके पास रह गया 80 मार्क्स सिर्फ लेने, जो कि रह गया आपके इंग्लिश और GNDU सेक्शन में। अगर हम OTA की बात करें, यही कट ऑफ 100 चला जाएगा। तो OTA के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इम्प्रूव करना अपना इंग्लिश।
बेस्ट एग्जाम्पल ये चीज है. अब वाई चूज अस, राइट? 90% फ्रॉम नोट्स आपके सामने, हमने प्रूफ लगाए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं, पिछले पेपर चेक कर सकते हैं, सेम बुक्स, सेम नोट्स, एवरीथिंग सेम, सब कुछ वही आ रहा है. हम एवरी ईयर वी कीप ऑन अपडेटिंग व्हाट इज न्यू, बिकॉज यूपीएससी कीप्स थ्रोइंग समथिंग न्यू, तो हम उसको अपडेट करते रहते हैं, हम बताते रहते हैं ये चीज नया आई, ये चीज है, ये चीज वो नहीं है, तो हम उस चीज को अपडेट करते रहते हैं. मैथ्स के लिए क्यों? बिकॉज हमारे शॉर्टकट मेथड्स कोई नहीं मैथ्स में सकता. जितना आप मैथ्स में स्कोर हाई करेंगे उतना आपका स्कोर बेटर रहेगा. अब आते हैं कि भाई हमारी सिलेक्शन, आप हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाओ. I myself have taught now for 10 years. 10 years, it's a decade that I've taught. And I've seen 3 generations of officers being made. That was taught by my grandfather, my father, and then me. So we've taught 3 generations. We've been the first one to make 3 generations of officers. You look at our records, you look at what we've done. We look every now and then when we put the paper, when we do it, how do we do it, and how do we solve it. So that is what we are basically getting into. When we confirm everything from the notes, we confirm everything from the notes, so you know what direction to read. अगर हम बात करें व्हाट इज न्यू इन दिस पेपर नाउ डेज, क्या चीज आ रहा है, एंशियंट हिस्ट्री पे फोकस आ रहा है, ज्योग्राफी कॉपी पेस्ट सिंपल आ रही है, पॉलिटी है कभी ज्यादा कभी कम, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट, इकोनॉमिक्स बहुत सिंपल आ रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सिंपल रहेगी, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, मैथ्स, सो दैट इज व्हाट इट इज. अगर आपको हम आपके लिए फर्दर एक वीडियो प्ले करेंगे जहां पे हमने 90% फ्रॉम नोट्स बताया है. अब दीस आर द क्वेश्चंस, अगर मैं बात करूं, मर्करी हैज नो एटमॉस्फेयर, वीनस हैज टू मून्स, ये हमारे सेक्शन में आप देख सकते हो. ये मैंने स्पेशली सबको बोला था कि पढ़ना ही पढ़ना है. ये सीडीएस में भी आ चुका है, आगे एनडीए में भी आ चुका है. सो ये कंफर्म्ड क्वेश्चन था, इसका आंसर रहेगा डेल्टा, बिकॉज वीनस के पास हैज नॉट टू मून्स, हैज जीरो मून्स, आप इसमें से चेक कर सकते हो. सेकंड क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड बाय विंड इरोशन. सरीक आपका होता है ग्लेशियर से, वो हमने बात किया हुआ है. जैसे मैं बात करूंगा, स्टैक होता है वेव से, ज्यूजन अकेला रह गया. चौथी आंसर सीरीज 2 2023 का. सिमिलरली वी हैव स्टूडेंट रिव्यूज. माय सेल्फ विजय सांगवान एंड आई हैड टेकन कोचिंग फॉर द न्यू फ्रॉम द न्यू गेट्स एकेडमी फॉर सीडीएस पेपर. As they are claiming that 90% of the syllabus is coming from their paper, I had personally observed it is true. As which they had taught me in the past 2 weeks before the paper, 10 to 15 questions were there in the paper only. What I learned here is that speed, how to cover maximum syllabus in minimum time, and about the revision in 2 weeks last, what we learned in 2 weeks that was came in our exam. We have exactly एक हफ्ते पहले जो हमने कराया था, 20 क्वेश्चन उसमें से आए. सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूँ सोशल साइंसेज, साइंसेज अलग है, आपका करंट अफेयर्स अलग है. 20% आपका कट ऑफ होता है सेक्शन. तो हमने एक हफ्ते में 20 क्वेश्चन करा दिए जस्ट बिफोर द पेपर. दैट इज द रिविजन दैट वी कैन टीच यू. सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट.